गेहूं है, आलू है, मटर है, आम है, आंवला है, दुग्ध उत्पादन है, उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। महोदय, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देने में 1,74,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, इसको उत्तर प्रदेश में इतने लोगों लोग इससे यानी देश के अंदर नंबर एक पर। एक्सप्रेसवे में नंबर एक पर। प्रदेश के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने में नंबर एक। अटल पेंशन योजना नंबर एक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नंबर एक। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम 96,00,000 यूनिट यूपी के अंदर हैं, जो परंपरागत उद्यम है, यूपी के औद्योगिक विकास के आधारशिला है, इसमें नंबर एक। कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुदान में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का नंबर एक राज्य है। देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज निर्माण करने वाला राज्य है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण की तरफ अग्रसर हुआ है, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। हर गरीब के घर में शौचालय भी बने, सर्वाधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए, उसमें भी नंबर एक। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य, कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, गवर्नमेंट ई मार्केट से सबसे अधिक प्रोक्यूरमेंट करने वाला राज्य और पहला राज्य भी। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में महोदय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 52,77,000 गरीबों को एक एक आवास मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, देश के अंदर नंबर एक। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला देश का पहल नंबर एक का राज्य। और महोदय, ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के प्रयोग में देश के अंदर नंबर एक का राज्य। दुग्ध उत्पादन में नंबर एक राज्य है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, 8,51,00,000 खाता धारक हैं, यानी 8,51,00,000 ये खाता धारक हुए हैं जिनके बैंक में कभी अकाउंट नहीं खुल पाए थे। यह डबल इंजन सरकार आने के बाद ही उन बेचारों के अकाउंट खुल पाए और डीबीटी के माध्यम से पूरा 70% पैसा उनके पास पहुंचा। स्वामित्व योजना, गांव में जिसका घर जहां पर, जिनका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय, ऐसे 50,37,000 से अधिक घरोनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी 50,00,000 से ज्यादा जिन गरीबों को उपलब्ध कराया गया, क्या ये किसी जाति के थे? क्या उत्तर प्रदेश का वासी था? हर जाति, हर मत, हर मजहब का, यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास, यही है। लेकिन इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसके बारे में लोग नकारी दें, कहे नहीं साहब यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी को पूरी तरह नकार दिया जाए, यूपी को आज भी हम वही आज से 7 साल 10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर हम क्या, हम यूपी के हितैषी हैं क्या, उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या? और इसलिए मुझे महोदय एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने एक बात कही थी,
कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा, उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती, आ रहा आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान करूंगा। महोदय, वास्तव में नेता विरोधी दल थोड़ा गुस्सा कम कर लेना तो प्रदेश को तो एकजुट नहीं कर पाए लेकिन परिवार को एकजुट कर पाएंगे। और मुझे आ रहा हूं, उसमें भी आ रहे हैं। महोदय, सेकेंडरी परमानेंट बनवा लें, अभी बताएंगे। हाँ, आ रहे हैं, आप चिंता मत कर, आराम से थोड़ा सुन लीजिए, बहुत धैर्य से सुने। महोदय, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, आप देखिए, एक विडंबना देखिए आप, उत्तर प्रदेश जिन चीजों से निकला है, जब हम उससे उभारने का प्रयास करते हैं, पूरी टीम यूपी जब उसके साथ जुड़ती है, एक साथ लगकर के काम करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैं तो कहता हूं हमारी टीम काम कर रही है, एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क का एक लघु उदाहरण अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला। हमारे मंत्री समूह गए, दुनिया के 16 देशों में गए, 21 सिटी को कवर किया, हर वरिष्ठ मंत्री गया था। हमारी दूसरे मंत्रियों की एक टीम देश के 8 शहरों में भी गया, रोड शो किया, और हमारा हर सांसद विधायक अपने अपने जनपदों की रोड शो में जाकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने जन्म दिया। यह है टीम वर्क। तब उत्तर प्रदेश में निवेश का एक भारी भरकम प्रस्ताव आया। परसेप्शन यूपी का खराब किसने किया था? जिन लोगों ने बांटा था जाति के नाम पे, मत और मजहब के नाम पे, तमाम वादों के आधार पर समाज को बांटा था। हम प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शौचालय मिलेगा सबको मिलेगा, हर गरीब हर जरूरतमंद को मिलेगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता है, उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको विद्युत का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, और उसको शासन में रोजगार में कोई भेदभाव नहीं मिलना चाहिए। जब हम इस बात करते हैं, हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। और महोदय, जाति के नाम पर फिर इन्होंने